तो हम यह है देवरिया ताल के उस गेट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। 27 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब हम यहाँ पहुँचे और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 12:12 हो चुके और डिस्टेंस देखते हैं, वैसे तो बोला है कि 2.5 किलोमीटर है, तो बट मैं ट्रैक करता हूँ कि 2.5 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है। स्टार्ट करें, चलो। तो जो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग मतलब आप समझ लो कि जो 10% भी नहीं हुआ, बट स्टीप है जैसा कि आप देख सकते हो, और सांस मेरी फूल गई है कितने में ही देख रहे हैं आप। अभी हमने शुरुआत ही की है लेकिन सांस फूल गई इतने में। चलो अब देखते हैं कि ऊपर भी ऐसा ही है क्या। अगर आपको कोई कहता है देवरिया ताल का ट्रैक बहुत इजी है, मत मानिएगा। पूरा ट्रैक ऐसे ही है, ऊपर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, और एलिवेशन अच्छा खासा है। ये बहस हो रही है कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है कौन सा नहीं। अभी हम ये डिस्कशन तब कर रहे हैं जब चंद्रशिला ट्रैक के लिए, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, देवरिया ताल के लिए हमने स्टार्ट किया और 600 मीटर हम आए हैं और गर्मी से हालत खराब हो गई है, समझ रहे हैं आप। एक्चुअली मैं यहाँ पे 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और जो दूसरा ट्रैक का जो ये पूरा रास्ता है ना, ये थोड़ा सा ख़राब है और एलिवेशन ज़्यादा है पूरे रास्ते में, मतलब कहीं भी फ्लैट नहीं मिल रहा है। जैसे हमने तुंगनाथ में किया था वैसे ही कुछ है कि आपको ऊपर की तरफ ही चढ़ना है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है कि प्लेन आ गया हो या थोड़ा स्लाइडिंग में जाना हो, नहीं आपको पहाड़ ही चढ़ना है। 1 किलोमीटर लगभग हमने कवर कर लिया और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें करीब करीब 40 मिनट लगे हैं अभी। किन हालातों से चढ़ाई शुरू हो गई थी, किन हालातों में आधे रास्ते पहुंची। शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट देख रहे हैं आप, पेड़ों की जड़ें, ये रास्ता बना रखा है उन्होंने, इतनी प्यारी प्यारी जड़ों ने आपके लिए रास्ता तैयार किया है। I'm recording. आजा शॉर्टकट। हेलो हेलो, इधर भी
नहीं नहीं बेटा, यू हैव कवर्ड मी। ओके ओके चलो जब कौन सा ये देखिए कहाँ सर, लेफ्ट में दिख रहा है ना अभी किधर? अच्छा वो हाँ, वो जो मेडिसिन वाला रिसर्च वो आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा राइट में टुंगनाथ और उसके ऊपर जो है वो चंचला कलम वहीं थे। लास्ट वाला जो देखो रास्ता है स्ट्रेच है। अब यहाँ पे हम उतर तो रहे हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में ये भी महसूस हो रहा है कि जब हम वापस आएंगे तो यही उतराई भारी पड़ जाएगी। एंड आई थिंक फाइनली वी रीच्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए आपको दूर से ताल दिख रही होगी। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो यहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, और एंट्री फीस कितनी है? 200 सर। 200 स्टूडेंट 100 है, स्टूडेंट के लिए 100 और सीनियर सिटीजन 100, और जो जो स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 200 रुपये। तो डिस्टेंस एग्जैक्टली 2.5 किलोमीटर है नीचे से ऊपर तक का, और हमें 1.5 घंटे लगे पूरे, 2.5 घंटे और 2.5 किलोमीटर और 1.5 घंटे। और वो दूसरे ताले में बस थोड़ी देर में नीचे पहुँचता हूँ टिकट कटा के। तो ये वैसे हमें पहले से पता नहीं था कि फीस भी लगती है, और 4 लोगों के 800 रुपये लग गए, ये आइडिया नहीं था हमें। यहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको सारी गांव आना होगा जहाँ से इस जगह की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। इस जगह के पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक ये है कि इंद्र व बाकी देवता इसी झील में स्नान किया करते थे, और यही वजह है कि इस झील का नाम देवों की झील यानी कि देवरिया ताल पड़ा। इस झील का संबंध महाभारत से भी जोड़ा जाता है। वनवास काल में यक्ष के द्वारा 5 पांडवों से पूछे जाने वाले प्रश्न की कथा तो आपने सुनी ही होगी, उसी कथा का संबंध इस झील से है। मान्यता ये है कि यक्ष ने 5 पांडवों से प्रश्न इसी झील के पास पूछे। देवरिया ताल में कुछ देर रुकने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ऊखीमठ की तरफ जहां हमारा स्टे है। फाइनली ऊखीमठ पहुंच गए हम। बहुत मस्त लोकेशन है। तो फाइनली हम जो है देवरिया ताल से निकलकर अपने जो नेक्स्ट स्टॉपेज है ऊखीमठ के पास, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम है वदांत वैली, जहाँ हम एक दिन स्टे करेंगे, और ये मंदाकिनी रिवर के बहुत ही पास है। चलिए अब आपको मैं रूम दिखाता हूँ जहाँ हम स्टे करने वाले हैं।
यहाँ से आप सुन सकते हो नदी की आवाज़, और 3 मिनट की वॉकिंग पे ही मंदाकिनी रिवर यहाँ से है। चलिए अब थोड़ी देर में रिवर के पास भी चलते हैं। भाई साहब नहीं वो ठीक है, लेकिन बताओ तो शूज पहन के और अब हम मंदाकिनी रिवर के पास पहुंच चुके हैं अपने होटल से। होटल उस जंगलों के पीछे, पहाड़ों के पीछे, ये पेड़ों के पीछे, पूरा रास्ता कच्चा कच्चा था। और ये देखें नदी, और ये है व्यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग। और अब हम निकल रहे हैं कार्तिक स्वामी टेंपल के लिए, और वो भी ट्रैक करना पड़ेगा उसके लिए भी हमें, तो चल के देखते हैं कि उसकी ट्रैकिंग कैसी है। और मंदिर भी जाएंगे, उसके बाद हम एक विलेज है किरशू, वहाँ हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है। चलते हैं।